इसमें लिखना है दोस्तों आपको SBI ऑनलाइन। SBI ऑनलाइन डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है, और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है ये इस तरीके से यहाँ पे लिख कर आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी पे दोस्तों सिंपली हम सभी को करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों क्लिक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, पर्सनल बैंकिंग के नीचे जो लिखा हुआ है। उसके यहाँ बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंटिन्यू टू लॉगिन का, इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड या लॉगिन पासवर्ड का, इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ अपनी बेसिक जानकारी डालनी है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आपको दोस्तों अकाउंट नंबर डाल देना है, पहले आपको यूज़र नेम डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, और उसके बाद कंट्री डाल देनी है, और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, और कैप्चा दोस्तों आपको सही से भरना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस तरह का पॉपअप आएगा, इसको दोस्तों ओके कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है जो शायद ये जो डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है वो मैंने बीच में शायद जो डंडा लगता है वो मैंने लगाया है, तो आपको लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, और उस OTP को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो सिंपली आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP आएगा, और उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके भी थ्रू आपको ATM रीसेट करना हो, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है ATM कार्ड के थ्रू। मैं ATM कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका ATM कार्ड एक्टिव होगा उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ATM कार्ड की डिटेल्स होगी वो यहाँ पे आपसे मांगेगा, तो आपको यहाँ पे ATM कार्ड की जो भी डिटेल्स है वो आपको भर देनी है, जैसे कि कार्ड होल्डर नेम हो गया, आपकी एक्सपायरी जो आपके मतलब कार्ड की जो एक्सपायरी होती है मंथ और ईयर उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका ATM कार्ड या फिर जिसको डेबिट कार्ड बोलते हैं उस पे जो भी पिन आपने बना रखा है ATM वाला, उसको आपको यहाँ पे पिन जहाँ पे लिखा हुआ है उसी पे आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा है उसको सही से फिलअप कर देना है, या जैसे कैप्चा में लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, जो कि आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, तो सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेना है, और उसके बाद ही आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो सिंपली चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका डेबिट कार्ड है उसका जो भी चीज़ें हैं वो दोस्तों सक्सेसफुल हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको जहाँ पे नया पासवर्ड बनाना है वो चला जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर दोस्तों वेट करेंगे। आप अब देख सकते हैं कि अपने आप ही यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड दोस्तों बनाना हो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब दोस्तों पासवर्ड कैसे बनाते हैं, आपको उसमें कुछ कंडीशन होती हैं, आप नॉर्मली पासवर्ड नहीं बना सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो मतलब अल्फ़ाबेट में ही नहीं बना सकते, कई सारी चीज़ें उसमें मिक्स करनी पड़ती हैं पासवर्ड में, तभी दोस्तों पासवर्ड बनता है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप नीचे पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पे जो पासवर्ड का वो होता है मतलब कैसे कैसे पासवर्ड बनाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे, लेकिन दोस्तों आप इसमें भी देख सकते हैं कि एग्जांपल के लिए पासवर्ड ऐसे इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये दोस्तों एग्जांपल है पासवर्ड का, आप इसी तरीके से बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ईसाई पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, जो कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रिसेट हो चुका है, और आपका नया पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है वो दोस्तों बन चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपना लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का भूल जाते हैं ATM के थ्रू बना सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आपके पास ATM नहीं है तो आप ब्रांच में भी जाकर दोस्तों इस चीज़ को रिसेट करवा सकते हैं। दोस्तों अगर इस प्रोसेस में कुछ आपको ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।